ये केवल एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये एक ट्रेनिंग वीडियो है। आज आप सब इस वीडियो को देखने के बाद बड़ी सोच के मालिक बन जाओगे। ऐसी कुछ ट्रेनिंग आपको मैं इस वीडियो के जरिए देने वाला हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ना है तो अपनी सोच को बड़ा रखिए, क्योंकि सोच बड़ी होगी तो सपने भी बड़े होंगे और आपके हौसले भी बड़े होंगे। हम में से काफी लोग जब बड़े सपने और बड़ी सोच रखने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ ऐसे सवाल आते हैं, बड़ी सोच क्यों जरूरी है, इसका फायदा क्या है, मुझसे नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं है, यार लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। चलिए इन पॉइंट्स पर बारी बारी बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, बड़ी सोच क्यों जरूरी है। आपको याद होगा बचपन में एक ड्राइंग का सब्जेक्ट होता था जिनमें कोई चित्र बना होता था और हमें उसके अंदर रंग भरना होता था। अगर कलर लाइन के बाहर निकल जाता था तो मार्क्स भी कटते थे और डांट भी पड़ती थी। दोस्तों, हमने अपने जीवन को भी कुछ वैसे ही बना दिया है। हमने अपने चारों ओर एक छोटी सोच की बाउंड्री बना ली है और हम उस लाइन से बाहर निकलने से डरते हैं। हमने उसी बाउंड्री को अपनी जिंदगी मान लिया है। हम रिस्क नहीं लेते और उसी दायरे में हम पूरी जिंदगी काट लेते हैं। वैसे अगर कोई व्यक्ति अपनी बाउंड्री को तोड़कर रिस्क लेकर कुछ बड़ा करता है तो हम उसे देखकर बड़े खुश होते हैं, वाह वाह क्या बात है, बंदा आज कहां से कहां पहुंच गया। लेकिन खुद कभी अपने दायरे से बाहर नहीं निकल पाते, खुद को हमने सीमित बना लिया है। उस दायरे को तोड़ना है तो बड़ी सोच रखनी होगी, बड़े सपने देखने होंगे। इसका फायदा क्या है? दोस्तों, आज मैं आपको एक नई ट्रिक बताता हूँ। आपका जो दिमाग है ना, वो आपकी सोच के हिसाब से ही आपको सोल्यूशन बताता है। मान लीजिए आपको नदी पार करनी है तो आपके दिमाग में उसे पार करने के लिए क्या सोल्यूशन आएगा, नाव। चलिए आप सोचते हैं आपको समुद्र पार करना है तो आपके मन में क्या सोल्यूशन आएगा, पानी का जहाज यानी शिप। मतलब जैसी आपकी सोच होती है वैसे ही हमारा दिमाग हमें सोल्यूशन देता है। तो बड़ी सोच का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको बड़े बड़े सोल्यूशन मिलने शुरू हो जाएंगे। बड़ी सोच का दूसरा फायदा यह है कि आप कभी ना कभी अच्छी जगह पहुंच ही जाते हैं। मान लीजिए आपने सोचा मुझे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉक्टर बनना है, तो अगर आप वर्ल्ड के सबसे बड़े डॉक्टर नहीं बन पाए तो कम से कम एशिया के ही सबसे बड़े डॉक्टर बन जाएंगे। अगर एशिया के भी नहीं बन पाए तो इंडिया के ही बड़े डॉक्टर बन जाएंगे। इंडिया के भी नहीं बन पाए तो कम से कम अपनी सिटी के ही सबसे बड़े डॉक्टर बन जाओगे, और अगर सिटी के भी नहीं बन पाए तो अपने नगर या जिले के ही बड़े डॉक्टर बन जाओगे। लेकिन अगर आपने सोचा कि मुझे तो बस छोटा मोटा डॉक्टर बनना है, तो आप नगर या जिले के तो क्या, अपनी गली के भी बड़े डॉक्टर नहीं बन पाओगे। तीसरा बड़ी सोच का फायदा यह है कि अगर आप कल कोई बड़े इंसान बन गए तो लाखों लोगों के घर में आपकी वजह से रोटी पहुंचेगी। अगर आप बड़े सिंगर बन गए तो लाखों लोगों का मनोरंजन करोगे। बड़े डॉक्टर बन गए तो लाखों लोगों की जिंदगी बचाओगे। अगर बड़ी फैक्ट्री के मालिक बन गए तो लाखों लोगों को आपकी वजह से खाना मिलेगा, लाखों लोगों को आपकी वजह से रोजगार मिलेगा। दूसरा पॉइंट यह है, मुझसे नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं है। हमेशा याद रखिए, हर इंसान जो आज सफल है उसने भी कभी बहुत छोटे से ही शुरुआत की थी। हर बड़े काम की शुरुआत छोटे से ही होती है। स्टार्ट स्मॉल थिंक बिग। बिल गेट्स ने अपने घर के पीछे वाले कमरे से बिजनेस शुरू किया और आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम बचपन में रोज सुबह अखबार बांटने जाया करते थे और बाद में दुनिया के बड़े वैज्ञानिक बने। इन लोगों की शुरुआत चाहे छोटी थी लेकिन सोच हमेशा बड़ी थी। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को कभी डर नहीं लगा होगा। इनको भी डर लगा होगा, इनको भी मंजिल मुश्किल लगी होगी, लेकिन डर के आगे जीत है। तीसरा और आखिरी पॉइंट यह है कि यार लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हमारे आसपास के माहौल में हमें बहुत सारे लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो बोलते होंगे, तेरे बस की बात नहीं है, शक्ल देखी है अपनी, भाई इतना आसान नहीं है, अपने मार्क्स देखे हैं, कोई नौकरी पे भी नहीं रखेगा। तो दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको इन लोगों पे ज्यादा विश्वास है या खुद पे? आप खुद को बेहतर जानते हो या ये लोग आपके बारे में ज्यादा जानते हैं? आप अपनी जिंदगी अपनी तरह से चलाना चाहते हो या इनकी तरह से? ये जिंदगी आपकी है, लाइफ दोबारा चांस नहीं देती, ये कोई रिहर्सल नहीं चल रही, ये जिंदगी है। जो समय आपने गवा दिया वो चला गया। जब आपके अंदर पूरी क्षमता है, आप पूरी तरह सक्षम है, तो क्यों खुद को इन लोगों की वजह से पीछे रखे हुए हो? लोगों का काम है कहना। दोस्तों,
जरा याद करो, आज से करीब 10 साल पहले भी हम जब छोटे थे तब भी हमारे कुछ सपने थे, लेकिन वो सपने आज कहीं दबकर रह गए, हम पूरे नहीं कर पाए। आप सोचिए, आज जो आपके सपने हैं, जो आपके मुकाम हैं, अगर वो हासिल नहीं हो पाए तो आज से 10 साल बाद आपको कैसा लगेगा। तो दोस्तों, आपको आज से ही बदलना होगा, आज से ही सोच बड़ी करनी होगी। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाली हमारी मोटिवेशनल वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।